तो साथियों पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बात जरूर याद रखना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस फॉर्म है वह आज आ गई है। तो चलिए इसी के साथ। गुड आफ्टरनून सर। सर एक क्वेश्चन था सर। सर जो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विजिट कर रहा हूँ सर, और सर साइट ओपन करते ही आप सभी को यहाँ पे एक्टिव एग्जामिनेशंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव एग्जामिनेशंस पे आपको क्लिक करनी है। जब आप इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपको एक्टिव एग्जामिनेशंस एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हरिओम तिवारी। साथियों आप सभी को बता दें कि आज की जो अपडेट हुआ बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि आज ही का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत से स्टूडेंट्स एक ऐसा वर्क करते हैं जिस वर्क हो जाने के कारण और उसमें प्रतिभाग कर लेने के कारण आज वे भी इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में खड़े होकर के अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो आप बात समझ गए होंगे कि बात क्या है। बात यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के द्वारा जो इसकी एंट्रेंस फॉर्म थी अब वह नहीं कराई जाएगी, अर्थात अब उसको कराने का जो जिम्मा है वह NTA ने ले लिया है, जिसको आप सभी भी जानते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसका फुल फॉर्म है। तो अब उसने इस पूरी जो कार्यभार है उसकी जिम्मेदारी उसने ले ली है। साथ में आप सभी को बता दें कि सबसे बिग अपडेट आप सभी को दे दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस फॉर्म है वह 6 अप्रैल को, यानी कि आज, यानी कि 6 अप्रैल यानी कि आज वह रिलीज हो रही है। और अभी तक आप सभी को ये बात सुनकर के काफ़ी आश्चर्य भी आ रहा होगा कि अभी तक कहीं पर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो, BHU हो, DU हो, चाहे JNU हो, किसी की भी जो फॉर्म है वह अभी तक सरकारीRESULT.COM पर अथवा किसी अन्य साइट पर वह दिखती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो खैर चिंता की कोई बात नहीं है। आप सभी को बता दें कि इतना भी चिंता ना करिए, क्योंकि आप सभी को जो अपडेट मैं दे रहा हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस फॉर्म के साथ साथ जो BHU की एंट्रेंस फॉर्म है, JNU के एंट्रेंस फॉर्म है, DU के जो एंट्रेंस फॉर्म है, वे आज 6 अप्रैल को रिलीज हो रही है। लेकिन 6 अप्रैल को सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आज 6 अप्रैल है और लगभग शाम के 4 से 5 बज भी रहे होंगे, लेकिन अभी तक ये साइट पर शो क्यों नहीं हो रहा है। तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज हमने कस्टमर जो NTA के जो कस्टमर हैं हमने उनसे बात भी किया है, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि आज रात के 10 बजे तक जो पूरी अपडेट होगी वह पूरी जो उनकी एंट्रेंस जो फॉर्म होगा वह आज रिलीज हो जाएगा। अर्थात आज के 10 बजे के बाद आप सभी NTA अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एंट्रेंस फॉर्म NTA की साइट से भर सकेंगे। ये आप सभी को बहुत ही बड़ी बिग अपडेट थी। अब कैसे भरेंगे और क्या मेरे और कस्टमर के बीच में बात हुई है, आप सभी उसको देखने के लिए वीडियो में पूरा देखिए कि कैसे भरना है, कैसे कहां कहां जा करके देखिए। एकदम नॉर्मल आसान प्रोसेस है, उसको आप जल्दी से जल्दी समझ लीजिएगा, बेहतर है। तो चलिए आइए देखते हैं पूरी जो वीडियो हमारी आगे की है वह क्या है, और कस्टमर से क्या बात हुई है, NTA के कस्टमर से क्या बात हुई है। आइए चलिए पूरी तरह से उसका विश्लेषण करते हैं। तो साथियों पक्का चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बात जरूर याद रखना कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो एंट्रेंस फॉर्म है वह आज आ गई है। तो चलिए इसी के साथ सब्सक्राइब कर लो और चलो आगे की वीडियो वॉच करो। बाय। हाँ तो गाइज हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं ना कि NTA यानी कि हम NTA जो है उसकी साइट हम क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं, और उस पर देखते हैं कि क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट है वह आई हुई है, मतलब जो फॉर्म है वह आई हुई है या नहीं आई हुई है। देन सबसे पहले यहाँ पर देखिए CUET एग्ज़ाम भी दिया हुआ है एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दिया हुआ है। तो मैं आपको एकदम फ्रेंकली बता रहा हूँ कि कहाँ से आप सभी जा करके जो साइट होगा उसको विजिट कर पाओगे, ठीक है। तो आप सभी को कहाँ पर आना है, सबसे पहले जो स्टूडेंट पोर्टल है आपको वो भी विजिट कर सकते हो, वो स्टूडेंट पोर्टल विजिट कर सकते हो, लेकिन मैंने कह रहा हूँ कि विजिट करना ही है, ठीक है। आप इसको विजिट भी ना करें तो भी कोई इशू ना है। आपको सबसे फर्स्ट आनी कहाँ पे है, यहाँ पे जैसे साइट ओपन करोगे, साइट ओपन करते ही आप सभी को यहाँ पे एक्टिव एग्जामिनेशंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो एक्टिव एग्जामिनेशंस पे आपको क्लिक करनी है। जब आप इस पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो आपको एक्टिव एग्जामिनेशंस एंड अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड दी पास्ट एग्जामिनेशंस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन आपको क्या करना है कि एक्टिव एग्जामिनेशंस यानी कि जो CUET जो कि आज इसकी जो एग्ज़ाम होगी वह यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी जो इंट्रेंस टेस्ट है उसकी यहाँ पर आइकन इस पहले वाले आइकन में शो होने लगेगा, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन आइकन होगा, यानी कि इस साइट पर जाकर के आप उसको बदल मतलब भर सकते हैं फॉर्म को। एंड दी सेकेंड स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
फर्स्ट में जैसे फॉर्म 6 अप्रैल से 6 मई तक ये जो फॉर्म भरी जाएगी ये यहाँ पर दी जाएगी। एडमिट कार्ड कब इशू किया जाएगा उसी पे बता दिया जाएगा, और एग्जामिनेशन ड्यूरिंग ठीक है ये कब होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा, एंड जो रिजल्ट होगा वो भी अभी देखिए किसी भी फॉर्म पर यहाँ पर जैसे नहीं बताया गया वैसे ही शायद उसका भी नौबत आया जाए कि उसका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो कोई नहीं, आज आप सभी को बता दें कि अभी तक एयू की किसी भी अपडेट या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डीयू हो गया, बीएचयू हो गया अथवा जेएनयू हो गया, किसी का भी एंट्रेंस जो फॉर्म है अभी तक एनटीए ने एनटीए की जो साइट होगी सीयूईटी के द्वारा अभी तक यहां पर नहीं शो की जा रही है। तो आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, 6 अप्रैल से बस उसमें ये दिखाया गया है कि 6 अप्रैल से वो फॉर्म जरूर भरी जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी सूचना अभी आप सभी के हाथ में नहीं लगते हुए दिख रही है। तो आप सभी को एकदम फ्रेंकली बता देते हैं, तो चलिए एक चीज और हम लोग क्लियर कर लेते हैं ना कि क्या ये जो फॉर्म होगा यह फॉर्म कब तक आने वाला है, अर्थात जो ये सीयूईटी के द्वारा जो हमारी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम कराई जाने वाली है यह कब तक होने वाला है। तो इसको जानने का सबसे आसान तरीका है, यहाँ पे बहुत सारे नोटिफिकेशन भी पड़े हुए हैं, हम उनमें भी पढ़े, लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं कि 6 अप्रैल को हमारी जो एंट्रेंस फॉर्म है वह आ रही है एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज जो की जाएंगी, लेकिन अभी तक वह नहीं आई हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर ऊपर की जो यहाँ पर क्या आइकन जो शो हो रहे हैं इनमें से एक और आइकन शो हो रहा है यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करते हैं और कॉन्टैक्ट अस में देखते हैं कि किनका नंबर है। आप सभी यहाँ पर विजिट कर सकते हो कि यहाँ पर जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है यहाँ पर इसका नंबर है, ठीक है, यहाँ पर बहुत से नंबर दी गई है, देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर है। इसमें आप सभी एक जगह देख सकते हो कि जो बीएचयू का भी एंट्रेंस जो पिछली बार हुआ था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उनका भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दी गई है। ठीक है, तो हम सभी इसको क्या करते हैं सेट करते हैं, हमारी अभी तक जो इस बार 2022 की सीयूईटी के द्वारा जो एग्ज़ाम कराई जाने वाली है वह अभी तक हमें शो नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनके जो कस्टमर हैं हम उनसे डायरेक्ट क्या करते हैं बात करने का प्रयास करते हैं। हम ईमेल भी कर सकते हैं लेकिन ईमेल में काफ़ी वक्त लग जाएगा, देन हम क्या करते हैं कि फ़ोन ही कर लेते हैं। ठीक है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर हमने फ़ोन करने का जो प्रक्रिया है स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम फ़ोन पर कर लेते हैं, ट्रूकॉलर भी है लेकिन ट्रूकॉलर का यूज़ नहीं करते हैं। देन चलिए हम दिखा देते हैं हमें कितने टाइम हमने उनसे बात किया और क्या हमें जानकारियाँ मिली हैं। आपको बता दें कि जब भी कोई कॉल ओपन की जाती है तो उस पर क्या होता है कि ये जो बातें रहती है यानी कि जो भी ये सॉन्ग मतलब रिकॉर्डेड रहती है ये क्या होता है कि एसेस नहीं हो पाता है। देन हमने उनसे क्या किया है कि जो भी बातें थी हमने उसको रिकॉर्ड किया है, आप सुन सकते हैं। की हमारी जो सीयूईटी की जो फॉर्म है वो कब तक आने वाली है, क्योंकि आज 6 अप्रैल है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई हमें जानकारी नहीं दी गई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कीपैड है कीपैड को खोलते हैं और यूजीसी का जो ऑप्शन है वो हम ऊपर से क्लिक कर लेते हैं। अब जो हमारे मतलब आप सभी को मैं सुना सकता हूँ कि जो कस्टमर होगा वो क्या बोल रहा होगा कि अभी आप वेट करें क्योंकि जो हमारे अन्य कस्टमर है वो बिजी होंगे। सुन लेते हैं क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं। मैं क्या करता हूँ थोड़ा स्क्रॉल करके थोड़ा जल्दी से बढ़ा देता हूँ कि जहाँ पर हम लोग की बातें हुई हैं वो जल्दी से आ सके। हेलो जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर एक क्वेश्चन था सर जी। सर जो मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से विजिट कर रहा हूँ सर, और सर मेरा ये सवाल था कि जो अभी तक सीयूईटी के द्वारा जो एंट्रेंस मतलब टेस्ट कराई जाने वाली है तो सर अभी तक उसका फॉर्म क्यों नहीं आया सर, जबकि आज 6 अप्रैल ही है। हाँ जी सर, रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट है, तो आज इवनिंग से या आज मिडनाइट से स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, अब लाइव हो जाएंगे वेबसाइट पे। यस सर, आज मतलब नाइट मिडनाइट में या आज रात तक हो जाएगा, मतलब आज की डेट में आपको मिल जाएंगे रजिस्ट्रेशन। या ओके सर, थैंक्स सर, बस यही जानकारी चाहिए थी सर, अभी तक साइट पे शो नहीं हो रहा था इसलिए। तो आप सभी ने सुना कि जो हमारे कस्टमर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि आज रात यानी कि आज रात के लगभग 12 बजे तक वो जो साइट है वह एक्टिव हो जाएगी। देन कोई नहीं,
कल से हमारा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का आने वाला है फॉर्म, और भाई धांसू भरो एकदम से, तहलका मचा दो कि पूरे जो सी यू ई टी पर सबसे ज़्यादा जो फॉर्म भरी जाने वाली फॉर्म हो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की होनी चाहिए। चलो कि बाय, बहुत बहुत गुड लक, और भाई सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए हमने बहुत ही ऊपर तक बात की है। ओके बाय।